Hi everyone, welcome to my YouTube channel. This is a brief introduction about me. My name is Kritika Shekhawat. I was All India Rank 36 through UPSC CDS entry in 2017. I was also recommended from 21 SSB Bhopal and 3 FSB Gandhinagar. इस वीडियो में हम TGC 139 कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. कोर्स कब स्टार्ट होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, आपके पास में क्या एजुकेशन होनी चाहिए, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है. सो लेट्स बिगिन. ऑब्वियसली TGC 139 विच मीन्स टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, इस बार जो कंडक्ट हो रहा है वो 139th कोर्स है, इसलिए इट इज़ कॉल्ड TGC 139. जुलाई 2024 में ये कंडक्ट होगा. कहाँ कंडक्ट होगा? IIM देहरादून में आपकी ट्रेनिंग होगी. और जैसा कि आप सभी को पता है, IIM में जितने भी कोर्सेज होते हैं वो PC के लिए होते हैं, परमानेंट कमीशन के लिए, और OTA चेन्नई में जितने भी कोर्सेज होते हैं वो सारे SSC होते हैं. इम्पॉर्टेंट डेट्स आप नोट कर सकते हो. एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 27 सितंबर से. लास्ट डेट टू अप्लाई 26 अक्टूबर, और आपके SSB अराउंड मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे, और कोर्स की डेट आपकी जुलाई 2024 है, और एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी जून के आसपास में आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी. उसके बाद जुलाई में आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, हु कैन अप्लाई? ये सिर्फ अनमैरिड मेल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. फीमेल्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती है, और जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स. एज लिमिट क्या है? 20 से 27 एज लिमिट है, और जिन बच्चों का जन्म 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2004 के बीच में हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं, और ये दोनों डेट्स भी इंक्लूसिव है. मतलब अगर आप पर्टिकुलर इस डेट पे भी आपका बर्थडे आता है तो भी आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं. एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो हम इस में डिस्कस करेंगे. जिन बच्चों ने, जैसा कि मैंने बोला है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आपने अपना जो कोर्स है, डिग्री कोर्स है, वो इंजीनियरिंग में अगर किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं. और सेकंड क्वेश्चन ये रहता है, जिनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है वो तो एलिजिबल हैं, बट जो फाइनल ईयर में हैं क्या वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं? हाँ, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल है, बट उसकी एक छोटी सी कंडीशन ये है कि आपकी जो फाइनल ईयर की जो डिग्री है वो आपकी मार्कशीट या सेमेस्टर मार्कशीट या ईयरली बेसिस पे जो एग्ज़ाम रहता है, तो ईयरली मार्कशीट जो होती है वो 1 जुलाई 2024, जुलाई आपका कोर्स स्टार्ट होने की डेट है, उससे पहले आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हैं. अगर आपका एग्ज़ाम 1 जुलाई 2024 के बाद में हो रहा है फाइनल ईयर का, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है. आपके पास जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं डिग्री से रिलेटेड, चाहे सेमेस्टर मार्कशीट्स हों चाहे डिग्री हो, वो सब आपके पास इस पर्टिकुलर जुलाई से, इस पर्टिकुलर डेट से पहले होनी चाहिए, 1 जुलाई 2023. हाँ, डिग्री आप कब सबमिट करा सकते हैं? डिग्री आप जो डिग्री सर्टिफिकेट है, आपने सपोज़ IIM में आपका कोर्स स्टार्ट हो गया है, उसके विद इन 20 वीक्स में आप अपनी डिग्री सबमिट कर सकते हैं, बट मार्कशीट्स आपके पास पहले से होनी चाहिए सारी. डिग्री के लिए 12 वीक्स का टाइम मिलता है. नेक्स्ट, वैकेंसीज हर स्ट्रीम में डिफरेंट डिफरेंट है. अगर हम कोर स्ट्रीम की बात करें तो सिविल में 7 है, कंप्यूटर साइंस में 7 है, इलेक्ट्रिकल में 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 है, मैकेनिकल में 7 है, और मिसलिनियस जो भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स है उसमें 2 सीट हैं, जिसमें रिमोट सेंसिंग, आर्किटेक्चर, बायोमेडिकल, फूड टेक, एग्रीकल्चर और केमिकल वाले जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो सब इस कैटेगरी में फॉल होते हैं, और सिर्फ 2 ही सीट हैं उन लोगों के लिए. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग. आपकी 12 मंथ्स की, दैट इज़ 1 ईयर की ट्रेनिंग रहती है IIM में. ये बिल्डिंग से सब लोग फैमिलियर होंगे, सब ने देखा होगा. तो IIM देहरादून आपका ट्रेनिंग सेंटर रहेगा, जहाँ पे आपकी 1 साल तक ट्रेनिंग रहेगी. इसके बाद हाउ टू अप्लाई, बहुत सिंपल है. आपको इस वेबसाइट पे जाना है. इसके बाद में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ऑफिसर एंट्री, अप्लाई और लॉगिन. उसको क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन पे जाना है, देन अप्लाई ऑनलाइन,
डैशबोर्ड के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ये अप्लाई ऑनलाइन वाला, उसके बाद में आपको एलिजिबिलिटी वाला ऑप्शन शो करेगा, वो चेक करने के बाद आप अप्लाई पे क्लिक कर सकते हो। टीजीसी जो कोर्स लिखा होगा उसके सामने अप्लाई का ऑप्शन होगा, यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल इन करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेके प्रीवियस जितने भी आपने एसएसबीज अगर अटेम्प्ट दिए हैं, एसएसबी में आपने अगर पार्टिसिपेट किया है, वो सारी डिटेल्स भरने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करके और सबमिट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अगर आपने पहले ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और आधार नंबर मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन के लिए, बिना आधार नंबर आप रजिस्टर नहीं कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट TGS 139 कोर्स। प्लीज़ लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब आर चैनल फौजी गाइडेंस। वी आर न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू। जय हिंद।